सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड फाइनली एप्पल ने रिलीज़ कर दिया अपना द मोस्ट अवेटेड आईपैड प्रो 2020। एंड इस बार फिजिकली सामने से तो कुछ वैसा चेंज है नहीं, बट इंटरनली काफ़ी चेंज है। एंड अगेन परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और यार इसमें गेमिंग वगैरह भी काफ़ी इम्प्रूवड है, और बैक कैमराज ऑफकोर्स थ्री ट्रिपल कैमरा सेटअप तो नहीं कहेंगे, बट यार 2.5 कैमरा सेटअप बोल सकते हो। और इसमें इस बार हमने ऐसा सोचा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, तो इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट को ज़्यादा ही अच्छे तरीके से देखा गया है, ऑगमेंटेड रियलिटी को। और इसमें काफ़ी ऐसे एक्सेसरीज़ हैं, और इस बार आपका आईपैड प्रो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बन सकता है, जिसमें आपको ये मैजिक कीबोर्ड मिलता है एक ट्रैक पैड के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और ये आपको फुल लैपटॉप वाला फील दे देता है। और कैमरा की बात करें तो हमें यहाँ पे इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला कैमरा है, ये एप्पल ने इसे नेक्स्ट लेवल पे ही ले गया है, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑगमेंटेड रियलिटी एंड ऑल, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगेन आप इसमें काफ़ी परफॉर्म अच्छा कर सकते हो, काफ़ी इम्प्रूव्ड है परफॉर्मेंस, और आपका इसमें 3D डायग्राम्स एंड ऑल आप बना सकते हो उसमें, एंड 4K तक एडिट कर सकते हो वीडियो, जो कि फाइनली फुल्ली आप मुझे लगता है कि ये लैपटॉप को रिप्लेस कर देगा। एंड अगेन 11 इंच एंड 12.9 इंच में ये अवेलेबल है, 128 GB से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम 1 TB तक गया है। अगेन इसके वेट में सेलुलर और वाईफाई दोनों वाले मॉडल में ही 10-10 ग्राम बढ़ गया वेट, जो कि ज़्यादा बड़ा इशू की बात तो है नहीं। एंड A12Z चिप है इसमें, काफ़ी फास्ट है, 12 MP का वाइड कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा 10 MP का, 4K रिकॉर्डिंग विथ 24 FPS। सो यस, इंटरनल्स काफ़ी इम्प्रूवड है, परफॉर्मेंस पहले वाले आईपैड प्रो का ही काफ़ी अच्छा था 2018 वाले मॉडल का, तो इस वाले में तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और यार होप करते हैं कि फाइनल कट प्रो भी आ जाए आईपैड प्रो में, तो ये एक अच्छी बात होगी, और हो सकता है इस वीक आईफोन SE 2 या आईफोन 9 जो भी बोले एप्पल वो भी रिलीज़ कर दे। सो गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।